अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तैनात चंबल के जवान को लेकर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में तैनात चंबल के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। जवान की पार्थिव देह जब उसके गृह ग्राम पहुंची तो अंतिम संस्कार पर विवाद हो गया। मुरैना जिले के अम्बाह के रहने वाले जल सिंह सखवार की शुक्रवार को सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पहले उनसे कहा गया कि जल सिंह आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, बाद में हमें बताया कि उन्होंने सुसाइड किया है। जवान की पार्थिव देह रविवार सुबह गृहग्राम लाई गई। इधर प्रशासन ने जवान की खुदकुशी की बात कहकर परिजनों की अंतिम संस्कार के लिए सरकारी जमीन की मांग को ठुकरा दी। इससे जवान के अंतिम संस्कार में देरी हुई। गमगीन परिवार की मदद के लिए समाज का एक व्यक्ति सामने आया, उसने एक बिसवा जमीन दे दी। इसके बाद परिवार ने दोपहर करीब 2 बजे जवान का अंतिम संस्कार किया। परिजनों ने बताया कि सीआरपीएफ अफसरों ने बताया था कि जल सिंह नाके पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया, इसमें वे शहीद हो गए। अब कह रहे हैं कि उन्होंने खुद को गोली मार कर खुदकुशी की है। इस मामले में जवान की पत्नी माया देवी ने कहा कि हमें कंट्रोल रूम से उनके गोली लगने की सूचना मिली, उसके कुछ देर बाद ही शहीद होने की खबर आ गई। अब कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया। वे आत्महत्या करते तो खुद को 2 गोली कैसे मार सकते हैं, उनके सिर में 2 गोलियां लगी हैं। उन्होंने सुसाइड किया तो हमें वहां क्यों नहीं बुलाया गया। सीआरपीएफ जवान जल सिंह के अंतिम संस्कार के लिए परिवारजनों ने प्रशासन से शहीद पार्क बनाने के लिए जगह की मांग की। इस पर प्रशासन ने उनके सुसाइड की बात कहकर उनकी मांग को ठुकरा दिया। समाज के वीरेंद्र सखवार ने अंतिम संस्कार करवाने और एक बिसवा जमीन देने की सहमति दी। इसके बाद दोपहर में 2 बजे परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार किया। जवान के इकलौते बेटे आयुष, जिनकी उम्र 12 वर्ष, ने पिता को मुखाग्नि दी। सीआरपीएफ जवान जल सिंह 1991 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। सीआरपीएफ में उनकी नौकरी को करीब 22 वर्ष हो चुके हैं। उनके घर में पत्नी माया देवी, 12 साल का बेटा आयुष और 6 वर्षीय बेटी प्रियल है। बच्चों की पढ़ाई की वजह से तीनों ग्वालियर में किराए के मकान में रहते हैं। जल सिंह की बड़ी बेटी करिश्मा की शादी सन 2018 में पोरसा के भजपुरा गांव हुई। शहीद जल सिंह के साले धर्मेंद्र ने बताया कि 2 दिन पहले ही जीजा की दीदी से मोबाइल पर बात हुई थी। बातचीत में उन्होंने बच्चों का हाल जाना और उनके भविष्य को लेकर बात की थी। जीजा जी दीपावली से लगभग 10 दिन पहले ही छुट्टी मना कर कश्मीर गए थे। वे 1 महीने से घर अपने परिवार के साथ थे। जाने के कुछ दिन बाद ही उनके शहीद होने की खबर आई। इससे पूरे परिवार को स्तब्ध कर दिया। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।